लोकसभा चुनाव में चार चरणों का मतदान खत्म होने के साथ ही सियासी दल पांचवें चरण के चुनाव प्रचार में अब पूरी तरह से जुट गए हैं। जी हां, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि चार चरण के चुनाव के बाद अब ये लोग, इनके चारों खाने चित्त हो चुके हैं। अब आने वाले चरणों में तय होना है कि उनकी हार कितनी बड़ी होगी और एनडीए की जीत कितनी भव्य होगी। पीएम ने साथ ही कहा कि आम और लीची जैसे मिठास घोलने वाले स्वीट सिटी में आज इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, वो कई लोगों के मुंह में कड़वाहट पैदा करने वाला है। उन्होंने साथ ही कहा कि जिन्होंने बिहार की पहचान बदली थी, वो इस चुनाव में केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे, वो किसी भी तरह से अपने सदस्य बढ़ाने के लिए छटपटा रहे हैं। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है कि बिहार में लूटपाट, अपहरण और भ्रष्टाचार के दिन वापस लाना। भारी संख्या में सब साथी आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, मैं नीतीश कुमार जी को सुन रहा था और जिस प्रकार से हमारी माताएं बहने उनकी बात को स्वागत कर रही थी, ये दृश्य शायद बिहार में ही देखने को मिल सकता है। मैं इन माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, लीची और आम जैसी मिठास घोलने वाले स्वीट सिटी में आप जितनी बड़ी संख्या में हम सभी को आशीर्वाद देने आए हैं, वो कई लोगों के मुंह में कड़वाहट पैदा करने वाला है। चार चरणों के चुनाव के बाद ये लोग चारों खाने चित्त हो चुके हैं।